वतन जो नजरिया था वो आज भी जिंदा है और उसका सबूत ये हाजिर मजलिस है। मैं फर्दन फर्दन नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि सारे इस हॉल और स्टेज पे मौजूद मेरे लिए इतने अजीज और कदरमंद लोग हैं कि मैं कहता हूं अगर मैंने एक कभी नाम छोड़ दिया तो इंसान के साथ नाइंसाफी होगी। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज जुलूस की शक्ल में, रैलियों की शक्ल में बलूचिस्तान के तकरीबन अक्सर अजरा से यहां पर तशरीफ लाए। मैं अजरा के नाम लूंगा जिसमें कोयटा जिला, पशीन जिला, किला अब्दुल्ला जिला, मोरालाई जिला, किला सफुल्ला मस्तूम जिला, फुजदार लसदेना बारकान और जोब से इन तमाम अजरा से लोगों ने यहां पर अपनी शिरकत की। जिन अजरा का मैं नाम भूल गया उस पर मैं माफ़ चाहता हूं। तारीख लिखी जाती है और वही तारीख होती है जो कौमों को जिंदा रखती है। तो हम आज फख्र करते हैं कि हमारे अजीज नायक शहीद मुस्तफा खान काकर ने हमारे लिए एक ऐसी तारीख छोड़ी, एक ऐसा नजरिया, एक ऐसा सोच, एक ऐसी फिक्र छोड़ी जो मजलूम के साथ और जालिम के खिलाफ थी और हम उस पर आज फख्र करते हैं। हमें कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि हमारे काबिरी हमारे कायदी का किरदार सबके सामने वाजे है। मेरे भाइयों कयूम काकर साहब ने बात की शहादत का मरतबा उसके भाई को नसीब हुआ और अल्लाह ताला शहादत नसीब वालों को देता है जो अल्लाह ताला को पसंद हो, जिसका कोई काम जिसका कोई किरदार अल्लाह को पसंद आए तो वो ये हर किसी की किस्मत में बात नहीं होती शहादत की। और शहीद के जो खानदान जिस कर्ब से गुजरता है जिस दर्द से गुजरता है उसका अंदाजा बखूबी हमें हो जाए। तो वाकई बहुत अफसोसनाक वाकया था धमाके का, उससे पहले डीएसपी साहब के साथ जो मस्जिद में धमाका हुआ, लेकिन उस शहीद के नजरिए को हमने जिंदा रखना होता है, उस शहीद के फिक्र को हमने आगे ले जाना होता है। मैं जनाब सरदार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए। तो हमारा मकसद यही है, सियासी बातें भी हुई, एक तो शहीद काकर की जिंदगी आप सबके सामने है। मैंने उस दिन भी कहा कि हम छोटे थे जब शहीद हुए तो सुबह जब हम स्कूल जाते थे खान साहब चले गए होते थे, रात को जब वो आते थे हम सो रहे होते, तो मैंने जो सुना वो आप लोगों से सुनना चाहिए मुस्तफा खान काकर के बारे में। उसका एक ही मकसद था, चाहे वो अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जहाद था, जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ होना, चाहे वो बलूचिस्तान में उन सियासी कुव्वतों के खिलाफ जिनके सामने मुकदमा नहीं पड़ सकता था जहाद कर रहा था सियासी महाज पर, वो इसलिए कि यहां के मजलूमों को हक मिले और जालिमों का खात्मा हो और सियासी शहूर पैदा हो कि एक वर्कर एक आम आदमी भी बलूचिस्तान का लीडर बन सकता है, एक आम आदमी भी इस मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। चाहे शहीद मुस्तफा खान काकर का मिशन जहाद पेमेंट सूद माफिया के खिलाफ था, वो इसलिए था कि सूद और पेमेंट अल्लाह और रसूल के खिलाफ जाएंगे। सूद और पेमेंट ने हमारे इस वतन के बहुत खूबसूरत घर उजाड़े, इन पेमेंट माफिया ने बहुत से जिस तरह की शवानी साहब ने बात की कि खवातीन को सूद पेमेंट को जमा किया है वो उनको ले जा रहे थे, तो उनके खिलाफ बजोरे बाजू ना खान शरीफ हुकूमत में थे ना खान शरीफ किसी सरकारी अहदे पर थे, बजोरे बाजू कोयटा में अलहमदुल्ला 2003 और 2005 के दरमियान पेमेंट और सूद के कारोबार 0% पर पहुंचा दिया था। जो आज का नेता फिर ये बात क्या कर रहे हैं, तो हम आज ये कहते हैं कि इंशाल्लाह शहीद मुस्तफा खान का
कि हमारे फैसले इस्लामाबाद में हो रहे हैं। मैं सियासत में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक तर्जियती रेफरेंस है, लेकिन उसकी वजाहत करना चाहूंगा। हमारे फैसले पंजाब कर रहा है, हमारे फैसले यहां नहीं हो रहे, ये बात हुई। मेरे भाइयों, हम 60 सालों से इन्हीं बातों से हमें यह अरमान बनाया जाए। मैं बात करूं तो पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी की, जिनकी सियासत सिर्फ पंजाब दुश्मनी पे रही, नवाज शरीफ की दुश्मनी पे रही, लेकिन जब मुफादात की जंग आई, जब इनके भाई को गवर्नर बनाया गया, जब इनको हुकूमत दी गई, तो फिर वो पश्तून को जिनका खून बहाया गया था, वो नजरिया वो खत्म हुआ और मुफादात की चादर ओढ़ के नवाज शरीफ के साथ समझौता कर लिया। और वो हुकूमत बलोचिस्तान की ताकतवर तरीन हुकूमत थी पश्तूनख्वा मीडिया और पार्टी और जमाती जमातों के साथ थी। हम अगर देखें क्या किया है बलोचिस्तान के लिए, क्या किया है पश्तून कौम के लिए, सिवाय डेमो सिवाय ठेकों के और कुछ नहीं हुआ इस कौम के नौजवानों और इनके मुस्तकबिल के लिए। हमारा नजरिया वाजे है शहीद बसमुल्ला खान का करके, हम आवाम के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे इदारे है, हम दिन को भी इनके साथ खड़े हैं, रात को भी इनके साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ सियासी जमातें ऐसी है जो दिन को मुर्दाबाद कहती है और रात को दोबारा उनके साथ होती है। हमारा मिशन वाजे है, हमें मुनाफिकत की सियासत नहीं सिखाई गई है। तो हम इन नारों के बजाय अपनी सियासत करें। हमारे वजीर आला जाम कमाल खान साहब, मैं इलेक्शन से पहले पिछले हुकूमत में भी मैं हुकूमत में था, एडवाइजर था, तमाम एमपीए वगैरह वो नहीं है, एडवाइजर जाम साहब की मेहरबानी है, हुकूमत की गांव में मौका दे दे। और इस हुकूमत में भी हूं, इस बार जो विजन वजीर आला जाम कमाल खान के 60 साल तक मैंने कुछ तारीफ नहीं की। लाजमी बात यह है कि हम करोड़ करोड़ के टेके बस इंफरादी लोगों तक पहुंचा रहे तब लोग खुश होंगे, नहीं, हमें पॉलिसी चेंज करनी होगी, हमें एक सिम दुरुस्त देनी होगी, हमारे फंड सही सिम लगने चाहिए। दो तीन करोड़ के फंड अरबों रुपए आज तक बलूचिस्तान पे लगे हैं, लेकिन जब तक आप एक बड़ा मंसूबा नहीं लाएंगे हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, तब तक आपका सूबा किसी साल पसमानदा रहेगा जो आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। तो इंशाल्लाह हमारा मेन मकसद, हमारा मिशन और हमारा नजरिया वाजे है, हम पाकिस्तान के साथ थे हो और रहेंगे, हम मजलूम आवाम के साथ थे है और रहेंगे, हम जालिम के खिलाफ थे है और रहेंगे, और कभी भी सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन दूसरी सियासत कभी नहीं करेंगे। आवाम को कभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद नारों में मैं कभी भी अपने वर्कर और शहीद मुस्तफा खान का करके नजरियाती सियासियों को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। हमने आज भी जो काम शहीद मुस्तफा खान का करके काम भी हमारे सामने, हम 1.5-2 साल से हुकूमत में, हमारा काम भी आवाम के सामने, हमने किसी भी ये शख्स वायद साबित नहीं कर सकता कि मैंने अपनी किसी जाति को जाति फायदा पहुंचाया। हम इज्तिमाई काम कर रहे हैं, जाम साहब इज्तिमाई काम करेंगे, हमारी हुकूमत 5 साल बाद हम आपके सामने रखेंगे कि हमारी क्या कारकर्दगी थी। मैं सरदार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं खुद और तमाम लोगों का जो भी आए यहाँ पे, हमारे जो कैदीन आए, कबाइली सरदार आए और हमारे जो पार्टी से तमाम सियासी पार्टियों के लोगों ने यहाँ पे जो शिरकत की बड़ी तादाद में, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं सरदार अब्दुल्लाह केतरान साहब को खुद दावत दूंगा कि वो आके अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब सरदार।